नमस्कार दोस्तों, मैं सतन चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर हो रहे हैं 12 तारीख से, उसमें जो प्रायिकता के चैप्टर से सवाल उठा रहे हैं उसमें से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मेरी जानकारी सही लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले वीडियो में आपने वीडियो तो देखे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आज आपको प्रायिकता बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता में आप ये क्वेश्चन आएंगे कि प्रायिकता में जैसे कि एक सिक्का है, तो सिक्का उछालने पर शीर्ष में हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको कि जैसे एक सिक्का है, तो सिक्का में दो तरफ होते, एक तरफ होता है हेड, एक तरफ होता है टेल, ठीक है। तो ये होता है चित्त, ये होता है पट, ठीक है। इसको एक और चीज बोलते हैं, ये शीर्ष, और इसको बोलते हैं पुच्छ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूछ लेता है कि चित्त आने की प्रायिकता है, पट आने की प्रायिकता है, या हेड टेल आने की प्रायिकता है, या ऊपर शीर्ष में जो है हेड आए, या पुच्छ में टेल आए, ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे एक सिक्का है, तो सिक्का में या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, ये इतना आ सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रायिकता क्या होगी कि इसका एक फॉर्मूला है, पी ए इज इक्वल टू, ये बस ध्यान रख लीजिए, ये मेन फॉर्मूला है, एन ए अपॉन एन एस, ठीक है। ये प्रायिकता है कि प्रायिकता क्या होगी, ये टोटल नीचे रहता है टोटल और ऊपर जो पूछा है, ठीक है। जैसे कि अगर पूछता है क्वेश्चन में कि एक सिक्का को उछाला जाता है और शीर्ष में हेड आने की प्रायिकता, तो मैंने ये सिक्का उछाला, इसमें हेड आएगा, तो ये हेड आने की प्रायिकता, हेड कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा, एक सिक्का में एक बार उछाला तो एक ही बार हेड आएगा, ठीक है। यह हेड आएगा या टेल, तो टोटल हो गया, हेड आने की प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं, तो देखिए टोटल अपना हो गया हेड कितनी बार आएगा, एक बार, ये कई बार उछाला तो एक बार हेड आ गया, ये टेल आ गया, तो चाहे हेड आएगा ऊपर या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये पूछा है कि हेड या हेड आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा टोटल कितने हैं, दो। दो कैसे कि एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, एन एस बराबर कितना हो गया, एन एस बराबर हो गया हेड या टेल, मतलब दो, ठीक है। अब वो पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता ये है कि हेड ऊपर एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये हो गए प्रायिकता, क्या हो जाएगी इसकी, पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अभी एक सिक्का हुआ, तो एक सिक्का में मैंने आपको बताया था, अब जैसे दो सिक्के हैं कि दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो दो सिक्के उछाले जाते हैं तो इसमें कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो दो सिक्के, मान लो दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो उनका टोटल जो एन एस, जिसको बोलना चाहिए अपन, ये जो फॉर्मूला होता है पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, ठीक है। तो अपन ये एस की बात कर रहे हैं, तो एस का मतलब ये होता है कि कितनी टोटल, कितने प्रकार बोलना चाहिए कि जैसे मैंने दो सिक्के उछाले, एक हेड आया एक में और एक में आया हेड, ये दो सिक्के में उछाल रहा हूं, तो एक में आया हेड और दूसरे में भी आ गया हेड, एक और बार उछाला तो एक में आया हेड, एक में आया टेल, एक और बार उछाला तो एक में आया टेल और एक में आया हेड, एक और बार उछाला तो ये आया टेल, ये आया टेल, ठीक है। तो ये तरीके से ज्यादा कोई तरीके नहीं हो सकते दो सिक्के उछालने के, क्योंकि जैसे ही मैं तरीका बदलूंगा तो वो फिर ऐसे आ जाएगा कि टेल हेड आ जाएगा या फिर हेड टेल आ जाएगा, तो ये चार तरीकों से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये एस इजिकल टू हो जाएगा एच कॉमा एच, ठीक है। ये सेम जो नीचे लिखा है ये हो जाएगा एच टी, और ये हो जाएगा टी एच, ये हो जाएगा टी टी, ठीक है। ये इतने तरीके हैं, इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं होगा। तो ये टोटल हो गया एन एस। अब वो पूछा क्या है, वो पूछा है कि शीर्ष में कम से कम एक हेड आए, ठीक है ना, कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम एक हेड आए। तो एक हेड क्या है, एक हेड इसमें भी है, कम से कम में इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एच एच, ठीक है, ये हो जाएगा एच टी, और ये हो जाएगा टी और एच, ठीक है। अब ए आ गया, एस आ गया, अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कितने हैं चार, ठीक है, और ये कितना है तीन, ठीक है। तो एन ए, एन ए कितना हो जाएगा थ्री,
ये हो गया 3 और NS, NS कितना हो जाएगा 4, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ये आंसर हो गया इसका कि कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड आने की प्रायिकता जो होगी 3/4 होगी, बस इतना करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अब ऐसे ही देखते हैं कि अभी 2 सिक्के का देखा, अब 3 सिक्के का देखते हैं कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो शीर्ष में कम से कम एक हेड आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछालेंगे तो तरीका बनेंगे हेड हेड हेड, पहला ये बन जाएगा। अब इसमें बनेगा हेड हेड टेल, ठीक है, ये टेल को यहां लिए, अब इसको एक काम करो टी को यहां कर दे, तो हेड टेल हेड ये बन जाएगा, अब ये टी को यहां कर दे तो टेल हेड हेड ये बन जाएगा। अब एक में, अब इसके कितने तरीके बनेंगे मैं बना दे रहा हूं पूरे, तो ये हो जाएगा अब फिर हेड टेल टेल, ठीक है, और ये आ जाएगा टेल, बीच में हेड, फिर टेल, फिर ये दोनों टी साइड आ जाएंगे, टी टी हेड, और ये आ जाएगा टी टेल टेल टेल, तीनों में तो 4 × 8। अभी इसमें कितने 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तो 4 × 8 और तो ये 8 तरीके बनेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल होगा एन एस, एन एस इज इक्वल टू ये, और ये हो जाएगा 8, कितने हैं टोटल 8। अब अपन को ये निकालना है कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और कम से कम शीर्ष में एक हेड आए, तो हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, ये हेड इसमें, कम से कम एक पूछा है, अधिक से अधिक नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब इसको छोड़ के टेल 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 तीनों से कट आ रहा है इसमें, इसको बस छोड़ के बाकी सभी में कम से कम एक हेड है, तो ये एन ए बराबर कितना हो गया, एन ए इज इक्वल टू 7 हो गया। 7 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम एक में हेड है, ये सिक्के में हेड है, यहाँ पे ये वाले सिक्के में हेड है, यहाँ पे ये वाले सिक्के में हेड है, इसमें तीनों सिक्कों में हेड है, इसमें 2 सिक्कों में हेड है, इसमें भी 2 सिक्कों में हेड है, इसमें भी 2 सिक्कों में हेड है, तो ये टेल 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 तीनों सिक्कों को छोड़ के बाकी सब में हेड है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ये इसमें आप पुट करेंगे तो एन ए से, और टोटल तरीके इसके 8 बनते हैं, तो ये इसकी प्रायिकता होगी 7/8, ये इसका आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, अब इसी से कई क्वेश्चन बन सकते, जैसे एक ही क्वेश्चन से मैं पूरे क्वेश्चन बता दे रहा हूं 3 सिक्कों वाले, ठीक है, ये तो टोटल प्रकार कितने हुए इसके 8, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कि इसका कम से कम 2 में हेड आने चाहिए, कम से कम 2 में, 3 सिक्के उछालने पे शीर्ष में कम से कम 2 हेड आए, तो कम से कम 2 हेड इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, कम से कम 2, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो टोटल कितने हो गए 4, कम से कम 2 आए, कम से कम, तो ये 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये कितने हो गए 4, तो एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और एन एस इज इक्वल टू कितना है 8, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8, यानी हो जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएगा, मतलब कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है 1/2, ठीक है ना, 3 सिक्के को उछालने पे, ये याद भी कर सकते हैं कि 3 सिक्के को उछालने पे कम से कम शीर्ष में 2 हेड आए, उसकी प्रायिकता 1/2 है, आंसर याद ही है सीधे, ठीक है। अब अगर वो पूछ लिया कि 3 सिक्के को उछालने पर तीनों में हेड आने की प्रायिकता, अगर वो पूछता है कि तीनों 3 सिक्के उछाले जाते हैं और तीनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो तीनों सिक्कों में हेड केवल इसमें है, ठीक है, तो ये कैसा करेंगे कि तीनों में, ये तीनों में हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, तो तीनों में हेड इसमें बस है, ठीक है ना, तो ये जो एन ए होगा, जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, तीनों में हेड आए, तीनों में हेड इसमें बसे, ठीक है ना, ये तो ए हो जाएगा 1, तो एन ए का मान हो जाएगा 1, और टोटल कितने हैं 8, ये टोटल 8 हैं, ये 8 प्रकार हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तीनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों सिक्कों में हेड केवल इसमें है, इसमें भी नहीं है, ये टेल है, इसमें भी नहीं है, ये टेल है, इसमें भी नहीं है, ये टेल है,
इन दोनों में भी नहीं, मतलब कहीं नहीं होगा, तीनों सिक्कों में हेड एक बार आएगा और तीनों सिक्कों में टेल भी एक बार आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता भी वही है और तीनों सिक्कों में टेल आने की प्रायिकता भी वही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन से अपन अनेक प्रकार के कर सकते हैं, कि जैसे आपको मैं बता रहा हूं इसमें कम से कम दो टेल आने की प्रायिकता, वो पूछ रहा है कि तीन सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम दो टेल आए, तो दो टेल आप देखेंगे तो दो टेल आने की प्रायिकता, तो ऐसे ही बना लीजिएगा दो टेल, तो दो टेल यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ये यहां पे है, यहां पे है, कम से कम दो टेल यहां भी है और कम से कम दो टेल यहां भी है, तो ये हो गए कितने, चार। तो ये एन ए का मान कितना हो गया, चार। टोटल कितने हैं ये तरीके, आठ। तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे दो, ये आंसर हो जाएगा। तो कम से कम दो टेल आने की प्रायिकता भी कितनी हुई, एक बटे दो। और अगर वो पूछता है कि सभी में टेल आए, तीन सिक्के उछाले जाते हैं, तीनों सिक्कों में जो है सभी में टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो सभी में टेल आए तो एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे एक बटे आठ, क्योंकि एन ए का मान कितना हो जाएगा, ये जो ए होगा इसका मान होगा एक, क्योंकि ये इसमें बस है, तो ये एक हो जाएगा, तो एन ए बराबर हो जाएगा एक। ठीक है, और यहां पर रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो वन आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी है, आठ तरीके हैं इसके, तो एक बटे आठ ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी, वन अपॉन एट। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं, एक सेकेंड। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, एन एस जो होता है टोटल होगा, पी ए प्रायिकता निकालना, और ए जो होगा वो सिलेक्शन जैसे ही करेंगे अपन कि कितनों में हेड है कितनों में टेल है, तो वो उसमें आएगा। ठीक है, तो ये अपन ये देखते हैं कि तीन सिक्के उछाले जाते हैं, तो तीन सिक्कों में अधिकतम ये आठ प्रकार बनते हैं, आठ प्रकार से नौ प्रकार नहीं बनेगा। तो अगर पूछा है कि कम से कम एक हेड आए, शीर्ष में हेड आए, कम से कम, तो कम से कम एक शीर्ष में हेड आएगा, तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हेड है ना, कम से कम एक, ये भी मैं पूर्व के क्वेश्चन में बताया हूं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है, कम से कम एक हेड आए, तो हेड इसमें भी है, 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 तो टोटल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, सेवन। एन इज इक्वल टू सेवन हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन और ये हो जाएगा एट। इसी प्रकार से आप इसके पूरे जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि तीनों में टेल आए, तो तीनों में टेल इसमें बस है, तो वो कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक, ये एक बस में है इसी बस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे आठ। ठीक है, तो ये एन ए कितना हो जाएगा एक, इसको पुट यहां करोगे एक बटे आठ। अब वो पूछा है कि दो में टेल आए, तो दो में टेल, कम से कम दो में टेल आए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो हो जाएगा कम से कम दो में टेल आए, तो एन ए बराबर हो जाएगा फोर, कम से कम दो में टेल, इसमें एक में टेल बस है, इसमें ये, इसमें दो में टेल है, इसमें भी दो में टेल, इसमें भी दो में टेल, इसमें भी दो में टेल, तो कम से कम दो में टेल आए, तो ये हो गए चार, तो एन ए बराबर हो जाएगा चार, टोटल हो जाएंगे आठ, तो हो जाएगा वन अपॉन टू, ये हो गया। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। इसमें कभी कभी ये पूछता है कि तीनों में हेड आए, तीनों में टेल आए, एक में हेड आए या दो में हेड आए या तीनों में हेड आए या एक में टेल आए, दूसरे में टेल आए, फिर तीसरे में हेड आए, ऐसे करके ये पूरे आठ बना लीजिएगा और फिर सीधे निकाल लीजिएगा कि अगर पूछा है कि दो में हेड आए तो दो में हेड वाले देख लीजिएगा, पूछा है दो में टेल आए, दो में टेल वाले निकाल लीजिएगा, और टोटल ये इसके तरीके जितने भी हैं टोटल नीचे रहेगा, जो निकालोगे वो ऊपर रहेगा, काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा है, ये सिक्के वाले क्वेश्चन इतने में से ही आ जाएंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।